गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. नाउ टुडे आई विल टीच यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ओके, बेसिस हैव बिटर टेस्ट. दैट मीन्स जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कि तीता, हिंदी में बोल सकते हैं तीखा टेस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? बिटर कहलाता है. ओके, यानी कि जितने भी बेसिस हैं उसका टेस्ट क्या है? बिटर है. तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज है बेस का, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि किसको हम बेस कहेंगे, किसको. जिस तरह हम पढ़ते प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, उस तरह से देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेस में कि आखिर कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बेस है. क्लियर? बेसिस फील सॉफ्टी टू टच. बेस क्या होता है? बेस में सॉफ्ट जैसा फील होता है, इसको छूने पे क्या होता है? स्लिपरी होता है, जस्ट लाइक अ सॉप. क्लियर? बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. एक्चुअली लिटमस पेपर जो है वो एक इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है. तो अगर कोई हम रेड लिटमस पेपर लिए हैं और रेड लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है? बेसिक है. क्लियर? यानी कि इंडिकेटर से हम पता कर सकते हैं कि अगर कोई रेड लिटमस ब्लू में टर्न कर जाए, दैट मीन्स वो जो सॉल्यूशन में जो कंटेंट है वो क्या है? वो बेस है. ओके, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन. जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे यानी कि वाटर ऐड करेंगे बेस में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. और इसे जान लीजिए, अगर बेस सॉलिड फॉर्म में है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि बेस का जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट होता है. दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट. व्हाई? बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ओके, यानी कि जब बेस किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. ओके, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में, ध्यान रखिए जब भी हम बेस को लेंगे, जिस तरह से एसिड को लेते थे एक्वस फॉर्म में, उसी तरह से जब भी बेस को लेंगे उसको हम लोग को एक्वस फॉर्म में लेना होगा, अदरवाइज उसका रिएक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, इसको जिंक से रिएक्शन करवा रहे हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है. और जिंक आपका सॉलिड स्टेट में, इसको जब क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये एक्वस सॉल्यूशन रहेगा. और हाइड्रोजन जो यहाँ पे ऐड था इसमें, वो हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया. देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का दो मॉलिक्यूल लिए हैं और आपका जिंक का वन मॉलिक्यूल, वन एटम लिए हुए. ओके, यानी कि दो मॉलिक्यूल रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का और वन रहेगा जिंक का. और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में है और जिंक है सो सॉलिड स्टेट में है. जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो फर्दर क्या बनता है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये एक्वस सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. क्लियर? अब हम लोग देखेंगे बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. ओके, अब वो जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट या तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, या फिर एसिडिक सॉल्ट होगा, या फिर बेसिक सॉल्ट होगा. इसके लिए कंडीशंस क्या है? अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस केस में जो रिएक्शन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके क्या करेगा? न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो वैसे कंडीशन में भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बट वो सॉल्ट कैसा होगा? वो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा. लेकिन अगर इसका जस्ट रिवर्स कंडीशन हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहे, तो उस केस में रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा? सॉल्ट ही मिलेगा. बस उस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? बेसिक सॉल्ट होगा. तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए कंडीशंस क्या है कि जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर एसिड भी वीक होना चाहिए और बेस भी वीक होना चाहिए. तो वैसे कंडीशन में जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा. बस इतना जानेंगे जब भी बेस किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? दैट मीन्स व्हेन बेस रिएक्ट विद एन एसिड देन प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? नेक्स्ट,
bases react with non-metal oxides to form salt and water. यानी कि जब भी किसी non-metal oxides के साथ base का reaction होगा तो वहां भी salt का formation होगा, but salt के साथ साथ में water भी produce होगा. Clear? फिर से एक बार समझ लेते हैं. Bases है bitter taste, इस taste के साथ है bitter होता है. Bases feel soppy to touch, soft जैसा उसमें slippery होता है base. Okay? Bases turn red litmus to blue. जब हम लोग इंडिकेटर जो है लिटमस पेपर उसको जो रेड लिटमस पेपर में यूज करेंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा, अगर वो ब्लू में टर्न हो जाएगा दैट इज वो बेस है. बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यानी कि जब उसको वाटर ऐड करेंगे बेस में तो क्या होगा, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. ओके, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. जब भी कुछ ऐसे मेटल्स से रिएक्शन के बाद बेस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. और अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. लेकिन अगर कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस होगा. तो आज का टॉपिक क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ बेसिस के बारे में. तो आज मैंने जो आपको बताया उसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे YouTube चैनल के एड्रेस के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें. ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे. ओके.